बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हर साल आप लोग आ जाते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हर साल हमें मिलता रहता है, उसी से प्रोत्साहित होकर के हमारा जीवन जो है और सफल हो जाता है आगे। कैसा रहा कल रात 12 बजे से लेकर के आज अभी तक का दिवस? ज़्यादा कुछ नहीं, परिवार साथ में था और अब उम्र हो गई इतनी, कहाँ अब जन्मदिवस मनाएंगे उसको। सर आज के दिन की क्या मसरूफियत, किस तरीके से दिवस जाने वाला है पूरा? कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा मसरूफियत ये है जो अभी हो रही है। आपने बहुत सारे अपने जन्मदिन देखे होंगे और सेलिब्रेट किए होंगे, कितना सामान्य और कितना खास है ये जन्मदिन आपके लिए, और आप स्वयं के लिए क्या प्रार्थना करते हैं अपने ही जन्मदिन पर? जिंदा रहें और क्या। जी 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 सर, आराध्या ने क्या गिफ्ट दिया आपको? अभी मिला नहीं हूँ मैं उनसे, सुबह उठ करके मैं माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने चला गया प्रतीक्षा, वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने। अब जाऊँगा वहाँ तो वो इंतजार कर रहे होंगे। तो कितनी एक्साइटेड है बर्थडे को लेकर? वो देख करके मैं वो बताऊंगा। व्हाट आर द विशेस दैट यू रिसीव फ्रॉम द फ्रेटर्निटी एंड द फैमिली? दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर लव एंड अफेक्शन एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग ग्रेटर एंड बिगर देन दैट फॉर एनीबॉडी। पिछले साल से इस साल आपने अपने अंदर कुछ बदलाव देखा है? हर बर्थडे में मतलब इंसान अपने आप में कुछ बदलाव देता है, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव देखता है, आपने कुछ ऐसा बदलाव महसूस किया अपने आसपास या अपनी खुद की जिंदगी में? मैंने कभी इस तरह से अपने आप को देखा नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर साल जो है वो प्रतिदिन प्रतिक्षण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, अपने काम में उसे कैसे और बेहतर कर सकें, लोगों के साथ जो संपर्क होता है उनके लिए क्या कर सकें, समाज के लिए क्या कर सकें, किसी के चेहरे के ऊपर कोई मुस्कान ला सकें। बहुत सारे नेगेटिविटी है देश भर में, प्रतिदिन अखबार उठाइए कुछ अनाप शनाप खबरें लिखती हैं, नेगेटिविटी होती है, पर उसके अंदर लोग अच्छाई भी करते हैं और प्रेरणा देते हैं वो हमको। तो अगर मैं अपने कार्य से अपनी आदतों से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूँ तो उसको करने का प्रयत्न करूँगा मैं। अब टाइगर से जुड़ चुके हैं, अब टैग जो है आपको टाइगर भी मिलता नजर आ रहा है लोगों द्वारा, अभी मैं बाहर खड़ा था लोग कह रहे थे कि अमित जी अब टाइगर भी हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? अब ये टाइगर के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो आपने टाइगर बोल दिया, लेकिन साथ साथ में टीबी के लिए भी काम कर रहा हूँ और हेपेटाइटिस के लिए भी काम कर रहा हूँ और डायबिटीज के लिए भी काम कर रहा हूँ और टूरिज्म के लिए भी काम कर रहा हूँ, पोलियो के लिए भी काम। तो जी सब ये क्या आप हम उपाधि हमको दे देंगे आप क्या? You know, the kind of roles that you have been doing is obviously appreciated by everybody. But with, you know, you inching to the 73rd birthday, are there any plans of like slowing down in your career and probably being a lot more choosy when it comes to the roles that you pick? Sorry, I can't understand. Of slowing down? Slowing down with, and also any kind of roles that you've been wanting to do, and are you planning to slow down in your career now with the kind of roles that you've been getting also? Ma'am, when you ask me to slow down, you'll have to tell me what my speed is now. Because the way you've been... तभी बता पाऊंगा कि मैं धीमे चल रहा हूँ तेज चल रहा हूँ। तो जैसे चल रहा हूँ उसको चलने दीजिए मैडम, गाड़ी चल रही है उसको चलने दीजिए। अरे सर मैं माफी चाहता हूँ सर, ये एक बहुत ही मामूली प्लास्टिक की घड़ी है और मैं हाथ जोड़ के क्षमा करता हूँ, मांगता हूँ अभी नहीं पहनूंगा मैं इसको। आज का जो मेन्यू होता है खाने का वो आप डिसाइड करते हैं कि जो आपको पसंद है वही घर में बनाया जाता है? जी खाने के मामले में मैं बहुत ही नालायक हूँ, तो नहीं कुछ ऐसा खास नहीं है, और जो कुछ भी बनता है वो जया बनाती हैं, वो वही घर वाले ही बनाते हैं, वो खाते हैं। हम सर मनीष है, जन्म ढेर सारी बधाई आपको। बधाई। धन्यवाद धन्यवाद, बधाई आपको। जी जी जी, इससे पहले क्या कहा आपने? बधाई है सर। अच्छा सर, बधाई थी ना। सर मेरा सवाल आपसे कि सर बदलते वक्त के साथ में समय बदला, वक्त बदला, बट ऑब्सेशन एज अ एक्टिंग आपका हमेशा से रहा है, तो इस बारे में आप थोड़ा अगर बताना चाहें। ऑब्सेशन नहीं, इस तरह से मान लीजिए कि स्टेज पर जाने में अच्छा लगता था जब बहुत ही बचपन से। सर
अभिषेक आज आपके जन्मदिन के दिन यहाँ नहीं है, वो लंदन में है, और आपने अभी कहा कि आपकी बेटी आई हुई है, तो आप उसे उन्हें कितना मिस करेंगे आपके जन्मदिन के सेलिब्रेशन में? ठीक 12 बजे रात को उनका फ़ोन आ गया था, बधाई दे दी उन्होंने, और अभी जाऊंगा तो फिर वो मुझे फ़ोन करेंगे। माध्यम अच्छे हो गए हैं, अब ऐसा नहीं लगता है, स्काइप करते हैं पर या फेस टाइम करते हैं तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सर जन्मदिन की शुभकामनाएं। सर आज 11 अक्टूबर को आज नहीं जब से जंजीर और दीवार रिलीज। मैडम वो प्लांट को हटा लीजिए जी, ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ जो है बोल रहा है मुझसे। सर 11 अक्टूबर को आज से नहीं जब से जंजीर और दीवार रिलीज हुई है, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम माँ बाप उनके अमित या अमिता रख दिए जाते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग बर्थडे शेयर करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये अन्याय हो रहा है या अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी बहुत अच्छा है। अच्छा है जी, बहुत ही साधारण सा नाम है, और माँ बाबू जी मुझे गुदरी का लाल, मैं अपने आप को कहता हूँ गुदरी में लपेट के एक टांगे में लाए थे घर, और उन्होंने मुझे देखा तो कहा था कि ये है अमिताभ। सर आपने कहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट आप ज्यादातर के मतलब आप घर पे नहीं होते रहे, आप काम कर रहे, शूटिंग कर रहे होते रहे, तो ऐसा कोई आपको किस्सा याद है किसी शूटिंग के टाइम, शोले के टाइम या दीवार के टाइम आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया और पूरी टीम ने मिलकर, ऐसे कोई भी मूवी के टाइम पे आपको कुछ ऐसा याद है? सर जी जाहिर है कि जब कभी जिस सेट पे होते हैं तो वो लोग आकर के जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें। और ये केक की प्रथा जो है इसे अपने आप, और फिर वो गाना गाएंगे सब लोग हैप्पी बर्थडे, न जाने कितने वर्षों से सालों से वही गाना चल रहा है, वही केक आ रहा है, वही मोमबत्ती लगती है, उसको बुझाना पड़ता है, छुरी से काटना पड़ता है, और आजकल तो ऐसी प्रथा शुरू हो गई कि काटने के बाद वो पोत देते हैं चेहरे पर। जया जी ने आपको आज क्या भेंट वस्तु दी है? हमेशा आप ऐसे स्पेशल मौके पे जया जी ने दिया हुआ कुछ स्पेशल पहनते हैं या लेकर आते हैं, तो कुछ दिया जी है? जो दिया है वो मेरी जानकारी के लिए है, आपकी जानकारी के लिए नहीं। आपका जो जीवन शैली और कैरियर अब तक का है तो उसके ऊपर अगर मूवी बनती है इन केस, तो आप बॉलीवुड के किस अभिनेता? निश्चित रूप से फ्लॉप हो जाएगी अगर मने। किस अभिनेता को चुनेंगे आप? आपके ऊपर मैं ये नहीं चाहूँगा कि पहले तो फिल्म बने, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि किसे करना चाहिए ये भूमिका, क्योंकि भूमिका करने लायक होगी नहीं, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, तो इसलिए पूछा। क्या चला हुआ है? इसका ट्रेंड चला हुआ है बायोग्राफी। हाँ बायोपिक, अच्छा मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ। अमित जी जज्बा फिल्म भी रिलीज हुई है, अगर आपने देखी हो कुछ बता सके आप? जज्बा फिल्म रिलीज हुई अगर आप? मैंने अभी देखी नहीं, मैं काम में व्यस्त था, लेकिन अभी देखूंगा एक दो दिन में। सर 4 दशक इंडस्ट्री में आपने गुजारे, कभी सोचा कि थोड़ी डोले शोले बनाए जाए, 6-pack 8-pack सब बना के घुमा जाए, कभी ऐसा ख्याल आया? क्योंकि आज फैशन सा हो गया है। क्या कहा इन्होंने? थोड़ी बॉडी बनाई जाए, थोड़ी डोले शोले बनाए जाए। सर हमारी बॉडी जो है वो अस्पतालों में बनती है आजकल, अब उसकी गुंजाइश रही नहीं कुछ। क्या बोल रहे हैं उस समय? हाँ दोस्ताना है। अब ऐसा है कि सर हर वर्ष कुछ न कुछ एक आ जाता है नुमाइंदा, इसके 30 साल हो गए, इसके 35 हो गए, इसके 40 साल हो गए, पढ़ के बड़ा अजीब लगता है, उम्र का तगाजा जो है वो बताते हैं हमको। लेकिन बधाई देता हूँ, और धर्मा प्रोडक्शंस में यश जौहर जी को, वो निर्माता थे दोस्ताना के। या आई होप सो, लेकिन एक सही कहानी आनी चाहिए जिसमें हम लोगों को अवसर मिले काम करने का। ओके थैंक यू।